झेल ये रिश्ते क्या कहलाता है की कहानी में आरोही के मेडिकल लाइसेंस को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अपकमिंग एपिसोड में आपको अभिमन्यु का MI रिपोर्ट आता नजर आने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में आपको एक काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और ट्रैक की शुरुआत देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल में देखा ही होगा कि कैसे अक्षरा आरोही के सच को सभी के सामने लेकर आ जाती है, जिसके बाद अब आरोही को बिरला हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और आरोही का एक साल का लाइसेंस अब रद्द हो चुका है। आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे आरोही का अक्षरा पर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है और अब आरोही अक्षरा से अपना बदला लेना चाहती है और अब सीरियल की कहानी में वो अक्षरा से अपना बदला लेने की कोशिश करती भी दिखने वाली है, जो आपको सीरियल में बहुत पसंद आएगा। आपने प्रोमो में देखा ही होगा कैसे आरोही अक्षरा को अपने रूम से बाहर निकालती नजर आ रही है और अब आरोही बिरला हाउस में ही जाकर अक्षरा से बदला लेने की कोशिश करती दिखने वाली है। और आप सीरियल में देखेंगे कि आरोही ऐसा करने के लिए नील को अपने प्यार के चाल में फंसाने की कोशिश करती नजर आ सकती है और यहीं से आपको सीरियल में नील और आरोही की लव स्टोरी और शादी देखने को मिल सकती है। आपको आरोही का किरदार नेगेटिव लगता है पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ते क्या कहलाता है इस वीडियो हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।